हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नया चेंज किया गया है। अब आप अपने 26AS फॉर्म और AIS फॉर्म को एक्सेस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा डाटा होगा जो कि आपको न्यू मिलेगा, जो पहले नहीं हुआ करता था। उसके अलावा जो आपने टैक्स की पेमेंट्स की हैं और जो आपकी SFT की जो ट्रांजेक्शन है वो आप 26AS फॉर्म में आपको दिखाई नहीं देगी। मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूँ आपको इनकम टैक्स लॉगिन पर। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। अगर आपने इस पर अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन, जो आपका पैन नंबर होता है वही लॉगिन रहता है, पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन में आपको ई फाइलिंग के अंडर में इनकम टैक्स फॉर्म में व्यू फॉर्म 26AS मिल जाएगा। ये 26AS फॉर्म देखे बिना आप अपने रिटर्न को फाइल मत कीजिएगा। इसको आप पीरियोडिकली चेक करते रहा करिए ताकि आपको पता लगे कि कौन सा डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर एक टाइम पीरियड निकल जाता है उसके बाद आप ये डाटा चेक करते हैं और तब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ जाता है, तो फिर आप इस डाटा को रेक्टिफिकेशन कराने के लिए जो भी एजेंसी है, मतलब जिसने यहाँ पर डाटा अपलोड किया है, वो सैलरी के केस में आपके एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, अगर आपकी बैंक में FDs हैं तो जो FD पे TDS डिडक्ट किया जाता है, बैंक्स भी हो सकते हैं। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनको TDS TCS की कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो आप बेटर है कि इसको पीरियोडिकली चेक करते रहें। ये बिल्कुल आप खुद से चेक कर सकते हैं, मोबाइल से भी सेम व्यू आएगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं। सर्विसेज के अंडर में आपको मिलेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। तो ये पहले भी यहीं पर होते थे, अभी भी यहीं पर एक्सेस है, बट इसके अंदर जो डाटा है वो चेंज हो गया है। मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूँ पहले 26AS पर आपको। उसमें तीन तरह के चेंज आए हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। एग्री करके यहां पर आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो 26AS जो फॉर्म है उसमें क्या चेंज आया है कि असेसमेंट ईयर 23-24, जिसका फाइनेंशियल ईयर है 22-23, जो कि लेटेस्ट हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो डाटा है आपको दूसरी तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी तरह का मतलब है कुछ चीजें जो है आपको दिखाई नहीं देंगी। मैं तीन चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। अब उससे जो पुराने वाले, अगर हम ईयर की बात करें, जो पहले वाले जो साल थे, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 से पहले वाले, ठीक है, तो उनके लिए जो डाटा पहले दिखता था अभी भी सेम वैसे ही रिफ्लेक्ट यहाँ पर होगा। अब मैं यहाँ पर आपको 26AS डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यू चेंज यहाँ पर क्या आए हुए हैं। तो आप यहां पर जल्दी से एक बार देख लीजिए, दो नए पार्ट यहां पर ऐड हुए हैं, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। तो पार्ट थर्ड में क्या डिटेल्स यहां पर ऐड की गई है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर प्रोविजो टू सेक्शन 194B। ये विनिंग ऑफ लॉटरी केस में जब आपका TDS डिडक्ट हो जाता है तो उसकी डिटेल्स यहां पर आपको दिखाई देंगी, किसने डिडक्ट किया है, टेन नंबर और अमाउंट, ठीक है। सेकेंड है 194R, ये न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें परक्यूजिट्स की बात की थी। बिजनेस के केस में जो परक्यूजिट्स है उन पर अगर TDS डेट किया जाता है तो उस सेक्शन में यहाँ पर डिटेल्स उसकी आएगी। और उसके अलावा जो है प्रोवाइडो सब सेक्शन वन सेक्शन 194S, इसके केस में स्पेशल जब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में TDS डिडक्ट होगा तो वो वाली डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेंगी अलग से। इसी तरह से जो TDS आपके डिडक्ट हो जाते हैं, जैसे 194IA जो प्रॉपर्टी वाले केस के TDS होते हैं, IB, 194M, 194S स्पेशल केस वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा हिंट इन्होंने दिया भी है, सेलर, लैंडलॉर्ड, प्रॉपर्टी, वे ऑफ रेजिडेंस, कॉन्ट्रेक्टर, प्रोफेशनल, यहाँ पर 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। पैन नंबर के बेस पर ही आपका जो TDS है डिडक्ट किया जाता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाला हो गया। तो जहां पर 10 नंबर वाले केस हैं वो तो ऊपर यहाँ पर कवर है ही, बिना 10 नंबर वाले यानी कि पैन के बेस पर ही आपका जो है TDS डिडक्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में एक्नोलेजमेंट नंबर आ गया, नेम ऑफ डिडक्टर, पैन ऑफ डिडक्टर, ट्रांजेक्शन की डेट, अमाउंट और उस पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है। तो ये पार्ट नंबर थ्री एंड पार्ट नंबर जो फोर है ये नए ऐड हुए हैं। नीचे आपको यहाँ पर GST की रिटर्न की डिटेल्स यहाँ पर आया करती थी, GSTR 3B की, इसमें ARN लिखा होता था, यहाँ पर अलग अलग मंथ की डिटेल्स आती थी, वो यहाँ पर रिमूव कर दी गई है, ठीक है। तो वो पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। एक यहीं पर आपको TDS की डिटेल्स दिखाई दिया करती थी जो अभी भी एज इट इज है, सेम यहाँ पर पार्ट वन में पार्ट टू में TDS की डिटेल एज इट इज दिखाई देंगी। बट जो आपने इस साल के लिए यानी कि 22-23 के लिए जो आपने कोई भी एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको AIS देखना होगा, मैं भी आपको AIS में जाकर दिखाऊंगा, वहां पर कुछ नए पार्ट्स ऐड किए गए हैं। तो यहाँ से एक तो पहला चेंज है कि जो यहाँ पर आपने जो टैक्स पे किया, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो जो टैक्स की डिटेल्स है वो यहाँ पर शो नहीं होगी। दूसरा है यहाँ पर जो GSTR GST की रिटर्न्स की डिटेल्स आती थी वो भी यहाँ पर नहीं आएगी। अब वो सारी चीजें आपको
जो है AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से देखनी होगी। तो अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तुरंत के तुरंत आप अपना 26AS चेक कर लीजिएगा लॉगिन करके, फिर उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल से ही आपको एक्सेस करना है। मैं बता देता हूँ कि AIS में जाकर आपको क्या क्या चीजें न्यू मिलने वाली है, उनको भी ध्यान से देखना है, एनालाइज करना है। अगर आपके डाटा आपके पास जो एक्चुअल डाटा है आपसे उससे मैच नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत के तुरंत उसको रिपोर्ट करना है उसकी रिपोर्टिंग एजेंसी को। कैसे आप रिपोर्ट कर पाएंगे उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ AIS में नए क्या क्या चेंज यहाँ पर एनेबल किए गए हैं। तो यहाँ से एक्सेस करना है सर्विस में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस टाइप का आपके सामने व्यू आएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुलेगा, उसमें AIS पे क्लिक करना है। यानी यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप पुराना डाटा देख रहे हो। तो वैसे तो ऑटोमेटिकली आता है ये, पर फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी है, यहाँ पर आपकी GST की रिटर्न ओवर की डिटेल्स दिखाई देगी। उसके अलावा जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग डाटा दिखाई देगा। जैसे TDS की इन्फॉर्मेशन है जो वहां पर दिखाई दे रही थी 26AS, वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। बट जो मैंने बताया स्पेशल केस वाले, वो वहां पर आपको मिल जाएगी। SFT की ट्रांजेक्शन आएगी, जो आपने टैक्स पे किया है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। डिमांड या कोई रिफंड आपको ड्यूरिंग द ईयर में किया गया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। अदर इन्फॉर्मेशन में जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसमें वन बाय वन जो GSTR रिटर्न का डाटा, पर्टिकुलरली किस किस से आपने परचेज किए हैं, क्या क्या टर्नओवर रिपोर्ट की गई है, वो सारी डिटेल्स आपको अदर इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी। तो आपको तुरंत के तुरंत एक्सेस करना है अपने 26AS फॉर्म को, AIS फॉर्म को, उसमें से डाटा एक बार चेक कर लेना है। फिर उसके बाद अगर कोई भी गड़बड़ आपको लगती है तो जो भी रिपोर्टिंग एजेंसी है उनको इन्फॉर्म करके वो डाटा आपको करेक्ट करवा लेना है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज जिसमें बेसिक अपडेट्स, फाइलिंग प्रोसेस, न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करेंगे CA Puneet Jain के नाम से चैनल आपको मिल जाएगा। उस पर जितने वीडियो अपलोड किए गए हैं सब बेनिफिशियल के आपके लिए, 100% वीडियो का पर्पज जो है वो एजुकेशनल नॉलेज के लिए है। तो अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे आपको 100% नॉलेज मिलेगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो आप चैनल पर करने हैं तो एक बार सारे वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर स्पेसिफिक प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो देख सकते हैं, जो भी आपसे रिलेटेड हो या फिर जो भी आपसे रिलेवेंट हो वो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं।